दोस्तों दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू बी माई मोस्ट फेवरेट ऑफ ऑल द वीडियोज आई हेव अपलोडेड सो फार इन दिस चैनल जस्ट बिकॉज विद दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग एक सीरीज शुरू करेंगे दैट विल प्योरली बी डेडिकेटेड फॉर एड्रेसिंग द ग्रिवानसिस ऑफ दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एस एस सी स्टेनोग्राफर टू थाउजेंड नाइनटीन स्किल टेस्ट अभी तक हम लोगों ने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं जिस जिसमें हम लोगों ने जो रिटर्न टेस्ट आएगा एस एस सी स्टेनोग्राफर टू थाउजेंड ट्वेंटी का उससे रिलेटेड काफ़ी सारी बातें डिस्कस की हैं ऑब्वियसली फ्यूचर में और वीडियोज़ भी उसके रिगार्डिंग डाली जाएंगी बट आई थाट कि दिस इज़ हाई टाइम कि हम लोग उन लोगों के बारे में भी वीडियोज़ बनाएँ जो कि स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस सीरीज़ के साथ मैं वही वीडियो शुरू करूंगा। इन वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा उन स्टूडेंट्स के बारे में जो एस एस सी स्टेनोग्राफर रिटर्न एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला चुके हैं बट जिनको स्टेनोग्राफी बिल्कुल भी नहीं आती तो वो जो कम समय बचा हुआ है उसमें वो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कैसे गेन कर सकते हैं फिर उन स्टूडेंट्स के बारे में भी बात करेंगे जो जिनकी स्पीड भी ठीक ठाक है बट वो स्पीड इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं और ऑलरेडी उनका रिटर्न एग्ज़ाम निकला हुआ है उन स्टूडेंट्स के बारे में भी बात करेंगे जिनको स्पीड भी अच्छी है जिनकी जिनके मार्क्स भी अच्छे हैं तो उनको किस तरह से एग्ज़ाम को के लिए अप्रोच करना चाहिए तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे ए टू जेड स्टेनोग्राफी का कर डिस्कस करेंगे इन वीडियोस में इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा स्टेनोग्राफी से रिलेटेड या स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट से रिलेटेड तो इन वीडियोस में इन, इन इस सीरीज़ की जो पहली वीडियो है वो है ये जिसमें कि मैं अपने खुद के स्टेनोग्राफी की एस स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट का जो एक्सपीरियंस है मेरा वो आपके साथ शेयर करूँगा मैंने अभी तक तीन बार एस स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट दिया है टू बैच में जिसमें मैं अनसक्सेसफुल था फिर 2017 बैच में जिसमें मैं ग्रेड सी ग्रेड डी दोनों के लिए गया एंड आई क्वालिफाइड बोथ विथ ऑल इंडिया रैंक 48 एट फिर उसके बाद 2018 बैच का जिसमें आई ओनली वेंट फॉर ग्रेड सी स्किल टेस्ट बिकॉज आई आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग ऑन ग्रेड डी एंड आई क्वालिफाइड दैट ऑल्सो विथ ऑल इंडिया रैंक थर्टी तो आप देख सकते हैं कि सब सारी बातें क्लियर करेंगे इसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे तो प्लीज़ इन वीडियोस को और स्पेशली इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और जहाँ तक हो पाए पूरा देखिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन एक अननोन कैंडिडेट के दिमाग में ये आता है कि एस एस सी एस रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आने के कितने दिन बाद हमें स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है तो देखिए दोस्तों आपको उसके लिए मैं ये बताऊंगा कि एज़ पर द रूल्स और एज पर द प्रीवियस यू नो मेथड्स ऑफ एस एस सी द टाइम विच एस एस सी यूज टू टेक वॉज अप्रॉक्सीमेटली टू मंथ्स और थ्री मंथ्स एट द मोस्ट पहले तीन मंथ्स के बीच में आपकी डेट आ जाती थी मतलब जब आपके रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आया उससे लेके तीन महीने बाद आपका स्किल टेस्ट की डेट आ जाती थी बट दीज डेज एस एस सी का थोड़ा डिसिप्लिन ख़राब हुआ है और स्पेशली ड्यू टू दिस ऑन गोइंग पेंडेमिक चीज़ें काफ़ी लेट हो रही हैं तो आप ये मान सकते हैं कि पाँच महीने कई बार छः महीने या इससे इससे भी ज़्यादा लग जाता है स्किल टेस्ट की डेट आने में बट स्टिल हम लोग को प्रिपेयर इसी बात के हिसाब से करना है कि दो से तीन महीने के बीच में स्किल टेस्ट की डेट आ जाएगी आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट ऑफ स्टेनोग्राफर रिटर्न एग्ज़ाम दोस्तों जब आप रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपके पास आपका जो रिज़ल्ट आता है उसके बेसिस पे आपको ग्रेड सी एंड ग्रेड डी स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है याद रखिए सिर्फ एक ही रिटर्न एग्ज़ाम होता है बट उसकी मेरिट अलग अलग बनती है ग्रेड सी के लिए अलग कट ऑफ जाता है ग्रेड डी के लिए अलग कट ऑफ जाता है सपोज़ करिए मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरे 160 मार्क्स आए तो हो सकता है ग्रेड डी के लिए 140 कट ऑफ जाए और ग्रेड सी के लिए 155 कट ऑफ जाए तो ऐसे में एक एग्ज़ाम के थ्रू ही मैं दोनों ग्रेड्स के लिए कॉल किया जाऊंगा दोनों ग्रेड के स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाऊंगा बट ऐसे में सपोज़ करिए अगर मेरे 150 मार्क्स हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेड डी के स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाऊंगा बट ना कि ग्रेड सी के लिए सिर्फ एक एडमिट कार्ड इशू होता है उस एडमिट कार्ड में आपके एग्जाम सेंटर का नाम होगा उसका एड्रेस होगा डेट ऑफ एग्ज़ाम होगी आपके बैच का नाम होगा ग्रेड सी के लिए ऑफ कोर्स अलग बैच बनता है ग्रेड डी के लिए अलग बैच बनता है फिर सपोज़ करिए आपने पूरी प्रिपरेशन अच्छे से की आप एग्ज़ाम वाले दिन अपने सेंटर पहुँचे अब एक बहुत ज़रूरी बात है उसको आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए दोस्तों एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है या दो तीन छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं बोलना सही रहेगा जिस को एक स्टूडेंट काफ़ी अंडर एस्टिमेट करता है बट मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी वही गलती करो सबसे पहली बात है ये दोस्तों कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर वेल इन एडवांस पहुंचिए ठीक है थीके? समय रहते हुए पहुँचिए याद रखिए आपको वहां जाना वहां जाकर आपको एक घंटे वेट करना पड़े वो काम चल जाएगा बट आप लेट हो जाएं उसके लिए और आपको एंट्री ना मिले डैट विल बी वेरी बैड थिंग उसके बाद आप कभी भी एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों याद रखिए एस एस स्टेनोग्राफर इसका स्किल टेस्ट बाकी एग्जाम जैसा नहीं होता है ये दो तीन घंटे में खत्म होने वाली चीज़ नहीं है अगर आप ग्रेड सी ग्रेड डी दोनों के लिए कॉल किए जा रहे हैं तो दिमाग में ये लेके चलिए कि आपको पाँच छः इवन सात घंटे भी लग सकते हैं ओके okay? तो प्लीज़ ईट वेल बिफोर गोइंग टू द सेंटर अच्छे से खा के जाइए मैं ये नहीं कह रहा बहुत सारा खा के जाइए बट अच्छे से खा के जाइए ताकि आप मेंटली चोक ना कर दें एग्ज़ाम देते समय एग्ज़ाम का प्रेशर एग्ज़ाम का माहौल कैसा होता है ये आप लोगों में से काफ़ी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं तो प्लीज़ इंश्योर ईटिंग गुड बिफोर गोइंग देयर नंबर थ्री ये है कि आप प्लीज़ अपने साथ एक वाटर बॉटल रखिए हमेशा एक वाटर बॉटल रखिए और इंश्योर करिए कि आपके पूरे एग्ज़ाम में वो आपके साथ रहे बिकॉज़ यू विल बी रिक्वायर टू यूज़ इट मोर ऑफेन उसके बाद क्या होता है जब आप स्किल टेस्ट देने जाते हैं तो पहले आपको थोड़ा देर वेट कराया जाएगा फिर जब समय आ जाएगा तो आपको एक एक करके कॉल किया जाएगा अंदर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपका एडमिट कार्ड देख के और आपका आधार कार्ड देख के फिर उसके बाद हाँ एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो आपको ले जाना है प्लीज़ उसको भी ध्यान से सुनिए सबसे पहली बात तो ये कि आपको टेंथ का सर्टिफिकेट और टेंथ की मार्कशीट लेके जानी है ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट और ट्वेल्थ की मार्कशीट लेके जानी है ओरिजिनल सब कुछ अगर आप कास्ट बेनिफिट अवेल कर रहे हैं तो आपको अपने ओ या एस सी या कोई भी अदर कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनवाया गया हो ना कि स्टेट का आप चाहो तो स्टेट का भी साथ में लेके जा सकते हो बट प्लीज़ इंश्योर कि एसएससी की वेबसाइट में एक फॉर्मेट होता है कास्ट सर्टिफिकेट का आप देखिए कि उसके हिसाब से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है या नहीं और प्लीज जहां तक हो जा हो सके वही वाला उसी उसी फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट आप लेके जाइए नाइन्टी उसी फॉर्मेट में ही बनाया जाता है बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी आप उसको एक बार टैली कर लीजिएगा तो आप ये सब लेके जाइए अपना आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाइए अपनी कम से कम तीन से चार फोटोग्राफ लेके जाइए जो कि रिसेंटली में खींची हूँ ताकि वहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो और उसके बाद इन सभी चीज़ों की एटलीस्ट दो दो कॉपी यानी दो इन इन सभी चीज़ों के दो सेट दो जेरोक्स चाहिए आपको वो भी लेके जाइए वहाँ पर फिर जब आप जब सेंटर में जाते हैं तो उसके बाद यू आर रिक्वायर टू वेट फॉर सम टाइम फिर एक एक करके आपको अपने बैच के हिसाब से बुलाया जाता है आपको ले जाया जाएगा क्लस्टर्स में फिर आपको वहाँ पे बैठाया जाएगा जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा ठीक है एक टेबल मिलेगी आपको बगल में भी कई लोग बैठे होंगे इस तरफ भी कई लोग बैठे होंगे दैट होल क्लास विल बी फुल ऑफ स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स तो उस टेबल पे ही सामने कंप्यूटर रखा होगा मतलब फुल असेंबल्ड कंप्यूटर होगा की वगैरह सब कुछ होगा उसके बाद क्या होगा आपको समय दिया जाएगा कुछ देर के लिए आपको बैठाया जाएगा जब सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपरली हो जाएगा फिर उसके बाद आपको बोला जाएगा कि सबसे पहले तो आपको फॉर्म दिया जाएगा जिसमें ये सब लिखना होता है कि मतलब आप अपने क्रीडेंशियल्स भरते हो उसमें जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी कि हाँ आप वही कैंडिडेट हो जिसने बाकी रिटर्न एग्जाम भी दिए हैं फिर उसके बाद एक जब रियल समय आ जाएगा स्किल टेस्ट का तो एक पहले तो एक सैम्पल वॉइस चलाई जाती है याद रखिए एस एस स्टेनोग्राफर में कोई मैनुअली नहीं बोलता है एक ऑटो फीडेड वॉइस होती है जो स्पीकर के थ्रू आपको सुनाई देगी कैमरे के चारों कॉर्नर्स में स्पीकर इंस्टॉल्ड होते हैं एस एस ऑडियो रिकॉर्ड करके उन इंस्टिट्यूट्स में भेजता है और वही आपको सुनाया जाता है तो फिर पहले आपको सैंपल दिए जाएंगे दो सैंपल दिए जाते हैं दो सैंपल वॉइस आपको दी जाती हैं आपको कहा जाएगा कि ये सैंपल वॉइस है इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं चाहे तो ना करें बट बेटर ये है कि आप उसको नोट करिए सो डैट आपका हाथ एक रिदम में आ जाएगा आपका आपका रिस्क एक रिदम में आ जाएगी फिर तीसरा जो होगा वो दैट विल बी री रियल डिक्टेशन रियल वॉइस जिसको आपको स्टेनोग्राफी में लिखना है जिसको आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है जब आप लिखना शुरू करोगे 10 मिनट का पैसेज होता है 10 मिनट का ट्रांसक्रिप्शन होता है एक बार जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद लोग कई बार पूछते हैं कि क्या एस टाइम देता है पढ़ने के लिए तो बिल्कुल एज पर द रूल्स एस एस सी इज़ डेस्टिन एंड इट्स कंपल्सरी फॉर द एग्जामिनेशन बोर्ड कि आपको समय दे आपको पाँच छः मिनट का समय देगा उससे ज़्यादा नहीं देगा बट याद रखिए इन दोज फाइव टू सिक्स मिनट्स यू आर नॉट परमिटेड टू यूज़ योर कॉपी और पेन सेकेंडली यू आर नॉट परमिटेड यू यूज़ द की बोर्ड फॉर एनी टाइपिंग वाट्सो एवर आप उसमें कुछ लिख नहीं सकते हैं जस्ट आपको पढ़ने का समय मिलता है वो बट स्टिल वो समय काफ़ी यूजफुल होता है बिकॉज काफ़ी चीज़ें आप पढ़ लेते हो उसके बाद आपको समय शुरू होगा हो, जैसे ही आप लॉगिन करोगे सिस्टम में आपका समय शुरू हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन का आप ट्राई करिए कि पूरा ट्रांसक्रिप्शन विद इन टाइम कर लें ताकि आपको रिवाइज़ करने का भी टाइम मिल सके ये तभी होता है दोस्तों जब आपने भरपूर मेहनत और भरपूर प्रैक्टिस की होगी पहले से अदरवाइज तो वो समय ही कम पड़ जाता है फिर वंस आपका स्किल टेस्ट ओवर हो गया याद रखिए अगर जो लोग दोनों स्किल टेस्ट के लिए जा रहे हैं मतलब ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों स्किल टेस्ट के लिए जा रहे हैं मोर ऑफ फिन दिन नॉट पहले ग्रेड सी का स्किल टेस्ट होता है फिर उसके बाद ग्रेड डी का स्किल टेस्ट होता है उसका रीज़न ये है कि काफ़ी बच्चे होते हैं जो खाली ग्रेड सी के लिए आते हैं तो अथॉरिटी ऐसा सोचती है कि ग्रेड सी वालों को परवा के उनको भेज दो जैसे कि जब मैं 2018 बैच में गया था तो आई वॉज ओनली रिक्वायर्ड टू ग्रेड टू गिव ग्रेड सी बिकॉज ऑलरेडी मैं ग्रेड डी में था तो मैंने जस्ट उसको कम्प्लीट किया और मैं बाहर निकल गया फिर ये सारी बातें हो गई उसके बाद आप वहाँ से उठोगे आप जो लिखा है आपने एक चीज़ और याद रखिए जो भी आपने टाइप किया है उसको आपको एक पेपर में भी लिखना पड़ता है पूरा नहीं बट एटलीस्ट शुरुआत की पाँच छः लाइनें जस्ट फॉर द सेक ऑफ़ क्रेडिबिलिटी कि हाँ जिस जिस बंदे ने उसको लिखा है उसी ने उसको टाइप किया है और उसकी हैंड राइटिंग भी बाद में मिलाई जाती है काफ़ी लोग पकड़े जाते हैं जो किसी और की जगह आए होते हैं सब्सिट्यूट करके आए होते हैं तो प्लीज़ ये सब काम मत करिएगा ये सब के बारे में सोचिएगा भी नहीं वंस एंड फॉर ऑल आपका कैंडिडेटचर कैंसिल कर दिया जाएगा एस और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए और आपका नाम एफ में आ जाएगा तो ये सारी बातें होती दोस्तों जब आप उसको लिख के सबमिट कर देते हो आप अपना लॉग इन इन सॉरी लॉगआउट करोगे तो आपका वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और फिर आप जब सारे पेपर्स जमा कर दोगे उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू लीव जिनका ग्रेड डी का स्किल टेस्ट होगा उनको फिर सेम मेथड में सेम प्रोसेस में ग्रेड डी के लिए भी बुलाया जाएगा तो ये सारी बातें होती हैं दोस्तों जो कि एस स्किल टेस्ट में होता है मतलब जब जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में होता है इस पूरे काम को पूरा होते होते अप्रोक्सीमेटली फाइव टू तो सिक्स आवर्स का समय लग जाता है जब मैं 2017 वाले एग्जाम के लिए गया था जिसमें मैंने ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों का ही दिया था तो Uh, मैं सुबह आठ बजे मेरी एंट्री हुई थी इलाहाबाद में ही सेंटर पड़ा था उसका तो सुबह आठ बजे मैंने एंटर किया था और मैं अराउंड ढाई बजे दोपहर में बाहर निकला था और मैंने यही गलती की थी कि मैंने कुछ खाया नहीं था सुबह तो प्लीज़ और मेरी क्या हालत थी आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब दोज थिंग्स इन वर्ड्स कैसे भी करके मैंने स्किल टेस्ट दिया था आप यही कह सकते हैं कि भगवान की मेर थी मेरे ऊपर और मेरी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मैं उन सिचुएशंस में भी मैंने स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया ना सिर्फ ग्रेड डी का बल्कि ग्रेड सी का भी बट आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिए ये सारी बातें आपको कोई भी बता सकता था लेकिन कुछ बातें हैं जो बाक़ी लोग डिस्कस नहीं करते वो यही सारी हैं कि आप कुछ खा के जाइए अच्छे से एक वाटर बॉटल हमेशा साथ में रखिए एग्जामिनेशन सेंटर वेलेंट एडवांस पहुँचिए और देखिए दोस्तों ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं ना जहाँ पे आप पैसे बचाने की कोशिश मत करिए ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ कि बहुत गरीब घर से लोग आते हैं बहुत गरीब घर से बच्चे आते हैं बट यार कोशिश किया करो कि अगर आप सपोज़ एक रात पहले पहुंच रहे हो तो एक ठीक ठाक होटल में जाके अच्छे से फ्रेश हो के अच्छे से सो जाओ ताकि आप अच्छी नींद ले सको इन सब एग्जामिनेशंस में आप दौड़े भागे थके हारे जाते हो तो इट डज नॉट गिव अ गुड इम्प्रेशन टू योर ओन सेल्फ और आप कंटिन्यूसली फॉर द अंटायर टाइम पीरियड आप कन्फ्यूज़ रहोगे आप थके हुए रहोगे तो प्लीज़ इंश्योर कि आप अच्छी स्लीप ले सको एग्ज़ामिनेशन सेंटर एडवांस में पहुंचो डॉक्यूमेंट्स का बहुत ख्याल रखना आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो याद रखिएगा उसके बाद भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप ले गए थे वो सारे हैं कि नहीं आपके साथ जब आप वापस जा रहे हो ये सब बातें भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आप ओरिजिनल्स लेके जाते हो वहाँ पे बस उसके बाद आपका काम पूरा हो गया आप वहाँ से निकल सकते हो तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों एस एस स्किल टेस्ट में आई होप आपको समझ में आई होंगी आई होप आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आगे आने वाली वीडियोस में मैं और भी बारीकी में डिस्कस करेंगे कि जैसे जो चीज़ें मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में बताई थी तो वो सारी बातें भी डिस्कस करेंगे आप अपनी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत अच्छी बात है उसको अच्छे से करते रहिए किसी भी तरीके का टेंशन मत रखिए जो भी डाउट्स हैं आपके उसको एक एक करके हम लोग क्लेरीफाई करेंगे ठीक है तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गुड बाय इसके अलावा दोस्तों एक बहुत एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जिसको मैं आपसे बताना भूल गया था वो ये है कि आपका प्रेफरेंस फॉर्म जिन जिन मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स के लिए आप प्रेफर कर रहे हो वो प्रेफरेंस फॉर्म जो होता है उसका वो अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड आपके पास आता है प्लीज़ आप उसको वेल इन एडवांस भर के ले जाइए वहाँ पर ग्रेड डी ग्रेड सी दोनों के लिए ही अगर आप अपीट हो रहे हैं तो दोनों का अलग अलग प्रेफरेंस फॉर्म आपको मिलेगा वहाँ पर हो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हो रहा होता है उसी समय आपसे प्रेफरेंस पूछी जाती है और वहाँ पर एक फीडर बैठा होता है वो एक एक करके आपकी प्रेफरेंस को कंप्यूटर में फीड करेगा और वही प्रेफरेंस आपकी फ़िक्स हो जाती है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन मोर ऑफ इन द नॉट जो अभी तक एस की प्रैक्टिस थी वो अलॉन्ग विद द स्किल टेस्ट ही होता आया है बट इस बार एस ने थोड़ा चेंज किए थे इस, इस बार एस ने क्या किया था कि कुछ रीजन्स का दो तीन रीजन्स का इस बार इन देंस टू थाउजेंड एटीन में दो तीन रीजन्स का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन अलॉन्ग विद द स्किल टेस्ट ही करवा दिया था जैसे सेंट्रल रीजन का भी करवाया था बट कुछ रीजन्स का छोड़ दिया था जो कि बाद में करवाया सिर्फ इसी वजह से हम लोग का रिजल्ट इतनी देर में आया फॉर श्योर sure, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन uh, है वो स्किल टेस्ट के साथ ही होगा बट इन रेयर केस हो सकता है उस समय ना हो बट जैसा भी कंडीशन होगी आपको वेल इन एडवांस इन्फॉर्म किया जाएगा उसके लिए